ओम शांति। आज 2 मई 2023, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भाव रोजाना बाबा एक ही बात क्यों कहते हैं? आत्म अभिमानी भाव। दूसरी बात रोजाना क्या कहते हैं? एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, तुम्हारा ऊंच कुल है, तुम्हारा ऊंच कुल है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो। प्रश्न, शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? शिव शक्ति में पहने भी आ गई और पांडव सेना बाई भी आ गई, क्या डायरेक्शन है हमारे प्रति? उत्तर, बाप का डायरेक्शन है श्रीमत पर चल, तुम इस भारत का बेड़ा पार करो। इस भारत का क्या करना है? बेड़ा पार करो। पहले अपना बेड़ा पार करोगे तब किसी और का भी बेड़ा पार कर सकोगे। यदि आपका अपना ही बेड़ा डूबा पड़ा होगा तो किसी का क्या करोगे? अब उसके लिए क्या करें? हमने बेड़ा पार करना है भाई, उसके लिए क्या करें? सर्वधर्मान परित्यज, ये दुनिया वाली गीता की लाइन है, सर्वधर्मान परित्यज, सब धर्मों को छोड़। ये सब धर्म का क्या मतलब? सब धर्मों का क्या मतलब? धर्म किसे कहते हैं? हां जी, धर्म कहते हैं धारणा को, धर्म ही धारणा है। गीत सुना होगा आपने, धर्म ही धारणा है। ये संस्कृत की ध्री धातु से बनता है धारणा, और हर एक ने अपना अपना विचार बनाए हुए। जो भी आपने धारणा बनाई हुई है, जितनी भी आत्माएं हैं, हर एक के विचार क्या हैं? अलग अलग। तो सबके धर्म अलग अलग है, क्या नहीं? मेरे विचार अलग हैं, मैं अपने नियमों से चलता हूं, जो मैंने अपने नियम बना रखे वो मेरा धर्म है, जो आपने अपने नियम बना रखे। हर एक संसार के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं, सबका धर्म क्या है? अलग अलग। अब सर्व धर्मान परित्यज, अपने धर्म को भी छोड़ो, दुनिया के अंदर जितने भी मनुष्य हैं उनको भी छोड़ो, जिसको बाबा क्या कहते हैं? मनमत और परमत, इन दोनों को क्या कर दो? अब किसकी मत पर चलो? माम एकम याद करो, बस मेरी श्रीमत पर चलो, जो मैं कह रहा हूं वो करो। अपनी मत पर भी नहीं चलो, किसी और मनुष्य की मत पर भी नहीं चलो। इस ये मतलब है सर्वधर्मान परित्यज। अच्छा, इतने से भी खुश नहीं होता, पावन बनकर फिर क्या बनना है? फिर बनना है पावन। पावन बनना माना, पावन बनना माना मैं आत्मा हूं, बस मेरा कुछ नहीं, मेरा लगाने के लिए कुछ नहीं। मेरा लगाना है तो किसको लगा सकते हैं? बाबा को। मेरा कह सकते हो तो एक बाबा को, बाकी किसी और को मेरा नहीं कह सकते।
क्यों मेरा बाबा क्यों कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, बाबा एक पवित्र है, बाकी जितने भी संसार में हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अपवित्र हैं। बाबा एक पवित्र है परंतु बाकी सारे के सारे दुनिया के अंदर क्या हैं, अपवित्र है। अब अपवित्र को मेरा कहा तो आप क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अपवित्रता मिक्स हो जाएगी ना। हाँ, मतलब मेरे, आपने किसी और आत्मा को भी मेरा कहा, वो आत्मा पवित्र नहीं है तो हम भी अपवित्र हो गए। हम किसी आत्मा को भी अपने साथ नहीं जोड़ सकते, शरीर को अपने साथ तो जोड़ ही नहीं सकते, और सिर्फ एक बाबा जो हमेशा पवित्र है उसको जोड़ने से हमारी पवित्रता, यदि हमारे अंदर कोई अपवित्रता है उसके अंदर बाबा जुड़ जाने से पवित्रता बढ़ जाएगी। मान लो मैं 80% पवित्र हूं, बाबा 100% पवित्र है, तो 180 हो गया ना, 180 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90। पवित्रता में 10% तो बढ़ावा आया ना, परंतु मेरी 80 है और मैंने किसी दूसरे को जोड़ा वो 60 है, तो 140 हो जाएगा ना, तो मेरी पवित्रता कितनी हो गई, 70। एवरेज निकालते ना फिर उसके बाद, किसी और को नहीं जोड़ सकते। पावन बनकर औरों को पावन बनाओ, जैसे आप अपने आप को पवित्र बनाया, आत्मा समझकर आत्मा रहना जीवन शुरू किया, तो औरों को भी ऐसे पावन बनाओ। तुम शिव शक्ति पांडव सेना, तुम शिव शक्ति पांडव सेना पवित्र बन, अपने तन मन धन से, अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करो। आगे फिर, तुम श्री मत पर नॉन वायलेंस अहिंसक, बाबा की श्री मत पर क्या बनते हो, नॉन वायलेंस अहिंसक बन, अहिंसा के बल से। अब अहिंसा का बल याद आता है, योग का बल, क्या होता है योग का बल, कोई चीज हमारा बल कब बनती है, जब हम उस पर चलने के अनुभवी बनते। रोजाना बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी बनेंगे तो योग बल होगा, ठीक है नहीं। और जब रोजाना हर पल हम अहिंसा को अपने जीवन में लेकर चलेंगे तो अहिंसा की हमारे पास क्या आ जाएगी, शक्ति। जितना हम अपने जीवन में अहिंसा माना, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना, और अपने आप को भी दुख नहीं देना, किसी और को भी दुख नहीं देना, अपने आप को भी दुख नहीं देना, तब है अहिंसा। अब ऐसा हम सारा दिन करें तब हमारे पास अहिंसा की शक्ति बढ़ती जाएगी। इस शक्ति से भारत की सच्ची सच्ची सेवा करो, ठीक है। यह है डायरेक्शन हमारे। ओम शांति, गीत चला, ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, ये है निराकार शिव परम पिता परम आत्मा की महिमा, ये है निराकार शिव परम पिता परम आत्मा की महिमा। उनको भगवान कहा जाता है, भगवान एक ही होता है, भारतवासियों के भगवान कितने, अनगिनत, गिनती नहीं कर सकते, उससे भी ज्यादा, कितने हैं भगवान, अनगिनत। कैसे अनगिनत है,
कहते कुत्ते में भी भगवान, बिल्ली में भी भगवान, पत्थर में भी भगवान, भीतर में भी भगवान, और जो दिखाई दे उसमें भी भगवान। कितने भगवान हो गए, सबको भगवान मान लेते हैं और अपने आप को क्या मानते हैं? नहीं, मैं भी भगवान, अहम ब्रह्मास्मि। जब पत्थर में भगवान है तो मैं भी भगवान हूं, मेरे में भी भगवान है। ठीक है, कितने भगवान हो गए? अनगिनत। इसलिए भगवान कहते हैं ये सब नास्तिक है। नास्तिक किसे कहते हैं? जो बाप को नहीं जानते, बाप का कहना नहीं मानते, सब नास्तिक। जो कहते हैं सब में भगवान है वो नास्तिक है। परम पिता परम आत्मा की तो बहुत बहुत महिमा है। परम पिता परम आत्मा की तो बहुत महिमा है। पतित सृष्टि को पावन करते हैं, अथवा कोड़ी जैसे कंगाल भारत को हीरे जैसा सिरताज बनाते हैं। 5000 साल की तो बात है, जबकि भारत डबल सिरताज था, दो ताज रखते थे, अच्छे लगते थे दो ताज। हाँ, ये अब होते हैं, पवित्रता और जिम्मेवारी के ताज अब होते हैं। सतयुग में कौन से दो ताज रखते हैं? अब दो ताज रखते हैं, पवित्रता का और जिम्मेवारी का। ठीक है, जिम्मेवारी के ताज से मिलता है स्वर्ण रतन जड़ित ताज, और पवित्रता से मिलता है लाइट का ताज, जो देवताओं के पीछे दिखाते ना लाइट। ये दो ताज होते हैं सतयुग में। पवित्रता खत्म हो जाती है द्वापर में, फिर एक ताज रह जाता है, और कलयुग में आकर नो ताज, कोई ताज नहीं पहनते। द्वापर के राजाएं महाराजाएं ताज पहनते थे, परंतु कलयुग में नो ताज, और सतयुग में दो ताज पहन लेते हैं। ये कौन समझाता है? कौन समझाता है? ये वही परम पिता शिव परमात्मा, जिसको ज्ञान का सागर भी कहते हैं। महिमा रचता बाप की है, बाकी तो सब हैं रचना। भारतवासी कहते हैं तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी शरण में। भारत को सुख घनेरे थे, अब नहीं है। अब है आसुरी रावण संप्रदाय, हर एक नर नारी में पांच विकार व्यापक है। इसमें राजा रानी साधु सन्यासी आदि सब आ जाते हैं। कोई ना कोई विकार है जरूर, कोई ना कोई विकार है जरूर। ये है ही पतित दुनिया, पतित भारत। सतयुग में भारत पावन था, पवित्र गृहस्थ धर्म, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। भारत डबल सिरताज था, अथाह धन था, हीरे ज्वारों के महल थे। बाद में मुसलमानों आदि ने लूटकर अपने मस्जिदों कब्रों आदि में हीरे जवाहर लगाए हैं। भारतवासी तो बिल्कुल ही कंगाल बन गए। भारतवासी तो बिल्कुल ही क्या बन गए हैं? मेरे को भूलने कारण नास्तिक बन पड़े हैं। मैं तो भारतवासियों का देव को देवता बनाता हूं, और मेरे को ही वो क्या करते हैं? भूल जाते। महिमा भी गाते हैं कि तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी शरण में सुख। तो जरूर बाप से ही स्वर्ग के सुखों का वर्षा मिलना चाहिए, उनसे स्वर्ग के सुख घनेरे मिल सकते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, राजयोग और ज्ञान सिखला करके
परम पिता परम आत्मा, परम पिता परम आत्मा आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं, कहते हैं आत्म अभिमानी भव। क्या बनो? आत्म अभिमानी भव। ऐसे नहीं के परमात्म अभिमानी भव, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ईश्वर सर्वव्यापी है नहीं, बाप है शिव और बच्चे हैं शालिग्राम, दोनों ही परम धाम में रहते हैं। तो हम सब आत्मा ठहरे, हम सब आत्मा ठहरे। सन्यासी फिर कह देते ब्रह्मोहम, मैं ही ब्रह्म, अहम ब्रह्मोस्मि, ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। अद्वैतवाद आ गया। आज बाबा अद्वैतवाद पर बात करते हैं। आत्मा भी परमात्मा, पत्थर भी परमात्मा, सब परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा, सब परमात्मा, बाकी सब झूठ है। हम भी ब्रह्म हैं। अब श्री श्री 108 जगत गुरु पतित पावन तो एक है। अब वो भी नहीं जानते कि श्री श्री 108 क्या होता है। उनको ही सतगुरु कहा जाता है जो पतित दुनिया में रहने वाले हैं। उनको पतित पावन कैसे कहेंगे? वे खुद ही पतित हैं, वे खुद ही पतित हैं, तो औरों को पावन कैसे करेंगे? जो पहले पवित्र हैं उनको भी शादी कराए, क्या कर देते हैं? पतित बना देते हैं, कहते शादी करो, नहीं ऐसे नहीं रहने देंगे, घर से निकाल देंगे, जायदाद से बेदखल कर देंगे, शादी करो। और क्या बना देते हैं उसको? पतित बना। अब शिव बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, वो है देवी गुणों वाला मनुष्य। सत्युग का प्रिंस था, परम पिता परम आत्मा की महिमा बहुत भारी है। खुद आत्माओं को कहते हैं हे आत्माएं, तुम जब सत्युग में थी तो कितनी पावन थी, अब पतित बन पड़ी हो। अब अगर तुमको फिर से सुखी बनना है तो श्री मत पर चलो। श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। मनुष्य तो एक तरफ कहते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है, फिर कह देते वे सर्वव्यापी है। इसको कहा जाता है धर्म ग्लानी, इसको कहा जाता है धर्म ग्लानी, मतलब अपनी धारणा को गिराना, अपने जो नियम है, अपनी जो धारणा है, गलत बात अपने आप को पढ़ा दी तो फिर ठीक करेंगे कैसे? गलती ही करेंगे। वो सर्वव्यापी है, इसको कहा जाता है धर्म ग्लानी। कोई को पता नहीं कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो किसने स्थापन किया, कुछ भी नहीं जानते। बाप और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, ना बाप को जानते हैं, ना बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे ना। शिव बाबा को भी शिव बाबा कहा, बाबा कहा जाता है, शिव बाबा को भी बाबा कहा जाता है।
फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा हमको कैसे रचते, कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा हमको कैसे रचते हैं और फिर कैसे पालना कराते हैं। वंडरफुल क्वेश्चन है ना। परमपिता परमात्मा हमको कैसे रचते हैं कोई नहीं जानते। और फिर कैसे पालना करते कराते हैं ये भी नहीं जानते। ये कह देते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, परंतु कैसे कराते हैं, कब कराते हैं, क्या तरीका है, ये कोई भी नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि को रचने वाला, फिर परमपिता परमात्मा को भी क्रिएटर कहते हैं, क्रिएटर कहते हैं। वे आत्माओं का बाप है तो सब हो गए शिव की संतान, सब हो गए शिव की संतान। ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार वर्षा उस माता पिता से मिल लेते हैं ना, चाहे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, वर्षा तो उसी माता पिता से मिलेगा। बाबा कहते मैंने तुमको जन्म दिया तो याद फिर भी मुझे करना है और वर्षे को भी याद करो। मौत सामने है, मौत सामने है, मरने समय कहते हैं भगवान को याद करो। अब भगवान खुद कहते हैं बच्चे तुम मेरी श्री मत पर चलो। एक है यादव मत और दूसरी है कौरव मत, ये है पांडव मत, पांडवों को मिलती है ईश्वरीय मत। गाया भी हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है प्रीत बुद्धि, पांडवों की है प्रीत बुद्धि। तुम जानते हो ये है झूठ खंड, 5000 वर्ष पहले था सच खंड। देवताएं राज्य करते थे, भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे, जो अभी नहीं, जो अभी नहीं है। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। सत्युग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, अभी वे नहीं है। बाप कहते हैं फिर से मैं स्थापन कर रहा हूं, फिर से मैं आकर क्या करता हूं, स्थापन कर रहा हूं। बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे, अब तुम पतित पावन परमात्मा को याद करो। अपने को आत्मा समझो, पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। भारत में सब पुण्य आत्माएं थे, अभी पाप आत्माएं हैं। पुण्य परम आत्मा नहीं कहेंगे, पुण्य परम आत्मा नहीं कहेंगे। तुम बच्चों के अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब मैं आया हूं बच्चों को वापस ले जाने। मैं तुम्हारा बेहद का बाप टीचर भी हूं, तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज बतलाकर सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूं। देवताएं सुदर्शन चक्रधारी नहीं होते, देवताएं सुदर्शन चक्रधारी नहीं होते। ब्राह्मणों का है सबसे ऊंच कुल, ब्राह्मण चोटी है ना, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान जो फिर देवता बनने वाले हैं। बाप कहते हैं तुम पहले ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, पुनर्जन्म लेते आए, अब फिर तुमको शिक्षा दे, देवी देवता बनाता हूं। इस समय भारतवासी बिल्कुल कब्र दाखिल हैं और अपने को बड़े बड़े टाइटल देते रहते हैं।
सर्वोदया लीडर सर्व अर्थात सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र पर दया, सो तो मनुष्य कर न सके, सो तो मनुष्य नॉलेजफुल ब्लिसफुल एक ही बाप को कहा जाता है। अब बाबा कहते हैं सर्व धर्मान परित्याज, सब धर्मों को छोड़ क्या करो, मामेकम याद करो। तो योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं पतित पावनी गंगा है उसमें डुबकी लगाएंगे तो हम पावन बन जाएंगे, उससे कोई पावन ना बना और ना बनेगा। पतित पावन एक ही बाप है, ये है शिव शक्ति पांडव सेना जो पवित्र रहते हैं। ये भारत की माताएं शिव शक्ति पांडव सेना है जो तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। एक तरफ है नॉन वायलेंस, दूसरी तरफ है वायलेंस हिंसा, एक तरफ अहिंसा और दूसरी तरफ है हिंसा, हिंसा और अहिंसा। वे क्या करते हैं और तुम क्या करते हैं? वो एक दो को दुख देते रहते हैं और तुम सबको सुख देते हो। यादगार खड़ा है 5000 साल पहले जो सेवा की थी उनका यादगार है, तुम सर्विस करते हो। ये है ज्ञान, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। भक्ति है अंधविश्वास, उसमें जो करते उनको पता नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं। तुम शिव के मंदिर में जाते हो परंतु जानते नहीं कि शिव बाबा तो स्वर्ग का रचयिता है, तो उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। परमात्मा हमेशा बच्चों को सुख का वर्षा देते हैं, इसलिए सब उनको याद करते हैं। पतित पावन आओ, हे बाबा हमको आकर फिर से स्वर्ग का राज्य भाग्य, आकर जीवन मुक्ति दो। सदगति दाता भगवान ही है, पावन बनकर औरों को पावन बनाने वाले तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। तुम श्रीमत पर भारत का बेड़ा पार करने वाले हो। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम याद करो। वे बाप है सत चित ज्ञान का सागर, सुख का सागर। वो आते हैं बच्चों को पढ़ाने, वे आते हैं बच्चों को पढ़ाने। बाप आत्माओं से बात करते हैं, आत्माएं सुनती हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप कहते हैं तुम हो सिक्की लदे, बहुत काल से बिछड़े हुए, परम धाम से पहले कौन सी आत्माएं आती हैं जिनको अंत तक यहां रहना है। स्वर्ग के आदि में ये देवी देवताएं थे, उन्होंने ही पूरे भारत, उन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए, भारत में पूरे 84 जन्म भोगे हैं। जब परमपिता परमात्मा आते हैं तो बहुत काल से जो बिछड़ी हुई आत्माएं हैं वही पहले पहले आकर बाप से वर्षा। सबसे पहले कौन सी आत्मा आएंगी, जो बाप से पहले पहले बिछड़ी, जो लेट बिछड़ी तो वो लेट आके मिलेंगी, वही पहले पहले आकर बाप से वर्षा लेती हैं। बच्चे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते क्या करो, बाबा को याद करो, फिर कमल फूल समान रहो, क्योंकि बिना बाबा को याद किए कमल फूल समान नहीं रह सकते। श्रीमत पर फिर से ऐसा श्रेष्ठ बनो,
आधा कल्प तुमने बहुत सुख भोगा था, फिर माया रावण ने आसुरी मत से तुमको गिराया, तुमको गिराया। जो सूर्य वंशी थे वही चंद्र वंशी बने, सूर्य वंशी थे वही फिर क्या बन गए, चंद्र वंशी बने। अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तुम हो गुप्त, तुम हो गुप्त, तुमको कोई पहचानते नहीं, तुमको कोई पहचानते नहीं। बेहद का बापूजी कहता है मैं सारे सृष्टि का बापूजी हूं, स्वर्ग तो मैं ही स्थापन करता हूं, स्वर्ग तो मैं ही स्थापन करूंगा। हद के बापूजी ने फॉरेनर्स को भगाया, ये फिर सबको इस सृष्टि से भगाकर ले जाते हैं। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो रही है, हो रही है। इन सब बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। जो सूर्य वंशी राज्य में आते हैं वही फिर आकर राज्य करेंगे। ये बड़ा झाड़ है, ये बड़ा झाड़ है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। कलयुग है कांटों का जंगल और सतयुग है फूलों का बगीचा। जो एक दो को सुख देते हैं उनको कहा जाता है देवी संप्रदाय, देवी संप्रदाय। जो दुख देते हैं उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। शिव बाबा आकर शिव आलय की स्थापना करते हैं, शिव बाबा आकर क्या करते हैं, शिव आलय की स्थापना करते हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। भारत में पहले देवी संप्रदाय थे, पहले क्या थे, देवी संप्रदाय थे, फिर आसुरी संप्रदाय अथवा शूद्र संप्रदाय बने हैं। अब फिर तुम देवी संप्रदाय बनेंगे, अब तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, फिर देवता बनेंगे। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक क्या करना है, सब को सुख दे, देवी संप्रदाय का बनना है। आसुरी संप्रदाय वाला कोई भी कर्तव्य नहीं करना है। शिवालय की स्थापना में मददगार बनना है। नंबर दो, आत्म अभिमानी होकर रहना है। गृहस्त व्यवहार में रहते एक बाप को ही याद करना है। योग अग्नि से अपने विकर्म विनाश करने, दग्ध करने हैं, जलाने हैं। जो भी पाप कर्म हुए वो योग अग्नि से हमने क्या कर देने हैं, जला देने, जल जाएंगे। जो पाप कर्म किए योग लगाने से वो जलेंगे, काम नहीं होते। सिर्फ हमें वो दुख नहीं देते, हमें समझ आ जाता है ये सब मेरे ही कर्मों का फल है, तो फिर उससे हम दुखी नहीं होते। वरदान, अटेंशन और अभ्यास के
निजी संस्कार द्वारा स्व और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भाव। अटेंशन दो और अभ्यास करो, ये जो है ना आपका अपना संस्कार बन जाए, ये अपनी आदत बना लो, तो आप स्व और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्वयं की सेवा कर सकेंगे और सर्व की सेवा में भी आपको सफलता मिलेगी। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार है, हमारा अपना संस्कार क्या है, क्या है? अटेंशन और अभ्यास। जब हम अटेंशन देंगे तो क्या नहीं होगा, जब हम अटेंशन देंगे तो क्या नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, टेंशन, टेंशन का क्या हो जाएगा, अटेंशन। टेंशन माना दुख और अटेंशन माना दुख नहीं है, ठीक है। और फिर इसका चाहिए अभ्यास, अटेंशन और अभ्यास, सावधानी और अभ्यास। इसलिए कभी अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। बाबा कहते हैं बच्चों को क्या हो जाता है, अटेंशन का भी टेंशन हो जाता है, अटेंशन का भी टेंशन ले लेते हैं कि मैंने जो ना प्याज वाला भोजन नहीं खाना, उसकी टेंशन हो जाती है, मैंने ये काम नहीं करना, बाबा ने कहा ये नहीं करना, उसकी टेंशन हो जाती है, बाबा कहता है ये करो, उसकी भी वो टेंशन ले लेते हैं, ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, ये मुझे करना है। करना है उसकी टेंशन क्यों, नहीं करना है तो भी टेंशन क्यों, अटेंशन रखो बस। सदा सेवा और औरों की सेवा, सदा स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो, अपनी भी सेवा करो औरों की भी सेवा करो, अपने को भी सुखी बनाओ औरों को भी। जो स्वयं सेवा छोड़कर, अपनी सेवा छोड़ करके, अपनी सेवा क्या करनी होती है भाई, अब बाबा की श्री मत पर चलाना, जो बाबा ने करने के लिए कहा है वो इस शरीर से कराना, यदि वो हमने नहीं कराया तो स्वयं नहीं हुई। अपने आप को सुधारना है, अपनी कमियों को निकालना है, यह है स्वयं सेवा। तो जो स्वयं सेवा छोड़कर, अपने आप को सुधारना छोड़कर, दूसरों को सुधारने पर लगे रहते, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, फिर नहीं मिलेगा, अपने आप को सुधारते नहीं, उन्हें सफलता नहीं मिल सकती। इस लिए दोनों का बैलेंस रखकर आगे बढ़ो, अपने आप को भी सुधारो और दूसरों को भी। कमजोर नहीं बनो, अनेक बार के निमित्त तो पहली बार थोड़ा विजय प्राप्त कर रहे हो, हर 5000 साल बाद आप विजय प्राप्त करते हो, अनेक बार निमित्त बने हो सबको सुखी बनाने के, विजयी आत्मा हो, विजयी आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं। जो विजयी आत्मा होती है उसके लिए कोई मेहनत, मुश्किल नहीं, मेहनत नहीं और मुश्किल भी नहीं। स्लोगन है ज्ञान युक्त रहम दिल, कैसे ज्ञान युक्त रहम दिल बनो। ज्ञान युक्त रहम दिल का मतलब समझकर अपने ऊपर रहम करो और सबके ऊपर रहम करो, तो कमजोरियों से दिल को वैराग्य आ जाएगा, तो कमजोरियों से दिल का वैराग्य
आ जाएगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।